नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीषा कुलकर्णी, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजिस्ट वर्किंग इन सह्याद्री ग्रुप्स ऑफ हॉस्पिटल पुणे। आज हम जानेंगे क्या होता है एंडोमेट्रियोसिस। जब एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स गर्भाशय छोड़ के कहीं बाहर पाई जाती है तो उसे कहते हैं एंडोमेट्रियोसिस। आपके गर्भाशय के सबसे अंदरूनी लेयर को कहते हैं एंडोमेट्रियम। अगर यह एंडोमेट्रियम गर्भाशय छोड़ के शरीर में किसी और जगह पाया जाए तो उसे कहा जाता है एंडोमेट्रियोसिस। हमारे गर्भाशय के सबसे अंदर का लेयर यानी कि एंडोमेट्रियम हर महीने में हार्मोन्स के प्रभाव में विकसित होके उसी माह के अंतिम चरण में रक्तस्राव के रूप से शरीर से बाहर चला जाता है। उसे हम कहते हैं पीरियड्स या फिर मासिक धर्म। उसी तरह से जो एंडोमेट्रियल इम्प्लांट्स है वो भी हार्मोन्स के इन्फ्लुएंस में विकसित होके वहीं पे रक्तस्राव होने लगता है, लेकिन वो रक्तस्राव बाहर जाने के लिए कोई मार्ग नहीं रहता है और वो वहाँ पे जमा होके इकट्ठा होके वहाँ पे बनते हैं एंडोमेट्रियोटिक इम्प्लांट्स। अब हम जानेंगे यह एंडोमेट्रियोसिस कहाँ पे आमतौर पे पाया जाता है। मोस्ट कॉमन जगह एंडोमेट्रियोसिस की है ओवरीज, उसे हम कहते हैं एंडोमेट्रियोमा या फिर चॉकलेट सिस्ट ऑफ ओवरीज। इसे चॉकलेट सिस्ट ऑफ ओवरी कहने का कारण यह है कि बार बार रिपीटेडली वहाँ पे रक्तस्राव होके वो जो ब्लड है वहाँ पे विघटित हो जाता है और उसको ब्राउनिश चॉकलेट कलर मिल जाता है और उसके लिए हम उसे कहते हैं चॉकलेट सिस्ट ऑफ ओवरी। नेक्स्ट कॉमन जगह एंडोमेट्रियोसिस की है अपने गर्भाशय की पिछली वॉल या फिर पोस्टीरियर वॉल ऑफ यूट्रस। एंडोमेट्रियोसिस आंत और गर्भाशय के बीच में यानी कि पाउच ऑफ डगलस में पाया जाता है, उसे हम कहते हैं डीप एंडोमेट्रियोसिस। आपका एंडोमेट्रियोसिस कभी कभी अगर आपका पहले सीजेरियन का जो स्कार है गर्भाशय के ऊपर का वहीं पे भी पाया जाता है, उसे हम कहते हैं स्कार एंडोमेट्रियोसिस। कभी कभी यह एंडोमेट्रियोसिस आपका नॉर्मल डिलीवरी का जो योनि मार्ग पे दिया गया हुआ कट है वहाँ पे भी पाया जाता है, उसे हम कहते हैं एपिजियोटोमी स्कार एंडोमेट्रियोसिस। यह एंडोमेट्रियोसिस बहुत रेयरली कभी कभी नाक में, आँख में, ओरल कैविटी में भी पाया जा सकता है। अब हम देखेंगे क्या होते हैं एंडोमेट्रियोसिस के लक्षण। एंडोमेट्रियोसिस का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है पीरियड्स में होने वाला पेन। वैसे तो पेन सभी महिलाओं को पीरियड्स में फील होता है, लेकिन एंडोमेट्रियोसिस की समस्या जिन महिलाओं में है उन्हें होने वाला पेन की तीव्रता बहुत ज़्यादा होती है। उससे उनकी डेली एक्टिविटी हैम्पर हो जाती है या फिर उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। कब होता है ये पेन? तो ये पेन पीरियड्स में ब्लीडिंग जब चालू रहती है तब, पीरियड्स के पहले और पीरियड्स के बाद में भी फील होता है। और उसके साथ ही जिन पेशेंट को डीप एंडोमेट्रियोसिस है उनको शरीर संबंध बनाते समय भी पेन फील होता है, इसे हम कहते हैं डिस्पेरियूनिया। सेकेंड महत्वपूर्ण लक्षण जो एंडोमेट्रियोसिस में देखा जाता है वो है इनफर्टिलिटी यानी कि कंसीव करने में आने वाली दिक्कत या कठिनाई। तो क्यों ऐसा होता है एंडोमेट्रियोसिस में होने वाला पेन और इनफर्टिलिटी क्यों होते हैं, ये हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको एंडोमेट्रियोसिस के बारे में कोई क्वेरीज है तो ज़रूर हमें लिखिएगा नीचे दिए गए ईमेल पे। थैंक यू।